YouTube चैनल तमन्ना शिफ। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज का जो व्लॉग है वो है डैमेज बालों को आपने कैसे रिपेयर करना है, बालों की ग्रोथ के लिए एलोवेरा का क्या बेनिफिट है या नहीं है, इस वाले से आज हम डिस्कस करते हैं। उनके बेनिफिट्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले ये कि इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी खुद लगा के, लेकिन बेनिफिट्स की जहाँ तक बात की, बालों को ठंडक फराहम करता है, ठीक है। आपके बालों की जो जिल्द है इसको ठंडक फराहम करता है, आपके बालों की जो स्कैल्प है इसको ये साफ करता है, ठीक है। अगर बात की जाए खुश्की के हवाले से तो ये बालों के अंदर मौजूद जो खुश्की है उसको दूर करता है। अगर आपके बालों के अंदर बालचाल है, ठीक है, तो ये उसको भी रिपेयर करेगा। जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे ये बालों की ग्रोथ करने में नुमाया तौर पे अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बालों को, मतलब कि ये लंबा करता है, ग्रोथ बालों की करता है, हाँ बालों की ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये विद इन वन वीक्स में ही बाल जो है वो लंबे होना शुरू हो जाएं, लंबे हो जाएं। नहीं, देखिए कोई भी चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है कि टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर। हाँ ये बालों को रिपेयर करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, ये बालों की ग्रोथ करता है, लेकिन किस तरह ये बालों को हेल्दी बनाएगा, बालों का जो वॉल्यूम है उसमें नुमाया तौर पर आपको देखने का मिलेगा कि आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, ठीक है, आपके बाल हेल्दी हो गए हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि बालों को गिरने से रोकता है। जब आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके बालों का वॉल्यूम आपको नजर आएगा, हेल्दी है ओके नजर आएंगे, फिर आपके बाल बढ़ेंगे तो वो भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज भी देख रहे होते हैं कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर बालों को लंबा कर ले एलोवेरा के थ्रू, तो नहीं। हाँ इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ, लेकिन ये डिपेंड करता है वो आपके बाल लंबे होंगे, सिर्फ एलोवेरा लगाने से तो नहीं लंबे होंगे। आपने अपनी गजा का ख्याल रखना है, ठीक है, प्रॉपर आपने गजा लेनी है, फिर ये एलोवेरा का इस्तेमाल करें। और ये डिपेंड करता है आपके जो स्कैल्प है इसके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर और आपके हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं फेस के हवाले से, इसको पिया भी जाता है, मुंह के ऊपर भी लगाया जाता है, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बालों के हवाले से, ठीक है। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसको कैसे लगाना है, आप लोग मेरे साथ। चलिए जी, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है। ये है एलोवेरा, ठीक है। इसको लगाने का ये तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले ये जो लाइन है और ये जो इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं इसको उतार देना है, ठीक है। और दूसरी साइड से भी, इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है। पहले मैं इसको प्रॉपर यूज़ करती थी, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। और ये ऊपर से भी आपने इसको उतार देना है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ आपने उतार देनी है, ठीक है। सही हो गया। अब आपने इसको पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब जैसे ये 1 एंड 2, आपने बालों को आगे की तरफ ले आना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से बालों को शुरू करना है नीचे से, ठीक है। अब मैंने बालों को डाई करवाया इसलिए मेरे बाल ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है। आपने बालों को इस तरह, पहले कोशिश करिए कि बालों की जो जड़ें हैं ना वहाँ पे बेहतर तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं लगाने लगी हूँ,
अब तकरीबन मैंने सारे बालों को लगा लिया है, ठीक है। अब इनको 10 मिनट्स के लिए और 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने बालों को बांध लें, ठीक है। और 15 मिनट बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाया करे। थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा तो तब भी आपने मुझे लाजमी बताना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।